फर्स्ट थॉट्स ऑन द मैच प्रिपरेशंस थी वैसे ही परफॉर्मेंस था जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो प्लान किया था जो प्रिपरेशन हमने की थी वो यही थी उसको सामने रखते हुए हमने उस तरीके की प्रिपरेशन की थी क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ गोल में स्पिनर को हेल्प मिलती है और लेटर ऑन ज़्यादा मेरे ख्याल से जब रफ़ चीज़ें हो जाती हैं तो वो ज़्यादा टर्न और बाउंस मिलता है तो उस हिसाब से हमने प्लानिंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ टीम और रिजल्ट हमारे हाथ में। फिर भी 3 फास्ट बॉलर्स थे यही स्ट्रैटेजी रहेगी आगे भी देखें डिपेंड करता है और पाकिस्तान ने हमेशा फास्ट बॉलर ही प्रोड्यूस किए हैं और फास्ट बॉलर ने भी फ्लैट ट्रैक पर मैच जिताए हैं पाकिस्तान को तो मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ और लेकिन नेक्स्ट मैच में हम बैठेंगे इस पर डिस्कस करेंगे साथ जाना मगर योर नॉक स्पेशली हाउ डू यू रेट योर नॉक द फर्स्ट इनिंग्स वाला जो नॉक था यू हैव हैड मेनी हंड्रेड्स बट दिस वाज स्पेशल फॉर यू डेफिनेटली काइंड ऑफ स्पेशल कह सकते हैं क्योंकि टीम को जरूरत थी और जिस तरह देखें जब मुश्किल कंडीशंस में आप रन करते हैं या अचीव करते हैं तो उसकी सेटिस्फाई और कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट लेवल का होता है और अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट 100 टेस्ट मैच में क्योंकि डिफरेंट था और मेरे ख्याल से विकटें टेल एंडर के साथ खेलना फिर डबल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है आपने उनको भी गाइड करना है अपना भी देखना है फील्ड भी खुली हुई है उसमें रन कैसे करने हैं तो ये सारा आपने अपने आप का प्लान करना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हूँ इससे। बड़ा अच्छा आपने लोअर ऑर्डर के साथ बैटिंग करने की बात करी कल अब्दुल्ला शफीक से बात हुई उसने कहा आपके साथ बैटिंग करने में उसे बड़ा हेल्प मिला वर्ड ऑन अब्दुल्ला शफीक आई मीन 6 टेस्ट मैचेस और वो तो ऊपर ही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह देखें एज अ यंगस्टर आप जब अपने आप को मनवाते हैं परफॉर्म करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में मुश्किल कंडीशंस में और डिफ़िकल्ट जिस तरह मेरे ख्याल से उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी आया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया तो वो एक डिफरेंट लेवल में थे लेकिन उनके अगेंस्ट परफॉर्म करना और क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट परफॉर्म करना वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही ऊपर लेके जाता है और जिस तरह वो माशाल्लाह खेलता है कितना क्लीन खेलता है और जिस तरह उसका फोकस है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेनी मेनी मोर्स। यू थिंक वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स एट द मोमेंट इन वर्ल्ड क्रिकेट इज़ टू अर्ली थोड़ा टाइम दें क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 6 मैचेस हुए हैं और इस टाइम और इंशाल्लाह उम्मीद मुझे एज अ प्लेयर ये है कि वन ऑफ द बेस्ट बन सकता है। और आगे की स्ट्रेटजी इस मैच में कुछ कमियां दिखी टीम में जो आगे देखें हर मैच में आप जब कुछ टोना मैच खेलते हैं तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है तो अच्छे को और मज़ीद करना है और जब जो बुरी चीज़ें की हैं मतलब कोई आपने डिसीजन या कोई ऐसी बॉलिंग तो उस पर आपने काम करना है मिस्टेक्स तो होती रहती हैं उस पर आपको इम्प्रूवमेंट लानी होती है तो कोशिश करेंगे जो मिस्टेक की उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ। फाइनली प्रभात जयसूर्या अभी भी उसे आप वैसे ही टैकल करेंगे जैसे इसमें किया अब्दुल्ला ने भी कहा था कि हमने पहले ही से उसे टारगेट कर लिया था कि उसे वो उड़ाना है नहीं उड़ाना नहीं है मेरे ख्याल से जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है वो उनका मेन वेपन है और कोशिश हम यही करेंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर रहें और हमेशा यही होता है कि एज अ बैट्समैन आपको पॉजिटिव रहना चाहिए।